हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो इस वीडियो में मैं आपको मेरी बनाई हुई 3 वेबसाइट दिखाऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम आगे जाके कैसी वेबसाइट क्रिएट करेंगे और क्या मैं आपको आगे जाके सच में वेबसाइट क्रिएट करके दिखाऊंगा या नहीं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट टू वीडियो। यहाँ पे मैंने 3 वेबसाइट ओपन करके रखी है, ओके, जो मेरे बनाई हुई है। ओके, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेबसाइट जो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे दूसरी वेबसाइट जिसका नाम है ट्रैवल वेबसाइट, और यहाँ पे तीसरी वेबसाइट ओके जिसका नाम है जीके। ओके, तो यहाँ पे ये रही मेरी फर्स्ट वेबसाइट। ओके, यहाँ पे हम डेटा भी एंटर कर सकते हैं। ओके, तो ये रही मेरी फर्स्ट वेबसाइट। ओके, ये रही मेरी सेकंड वेबसाइट ओके जिसका नाम है ट्रैवल द वर्ल्ड। ओके, तो ये वेबसाइट का फर्स्ट पेज है। ओके, इसमें कुल 3 पेज है। ओके, दूसरे पेज के लिए हम अबाउट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट का दूसरा पेज ओपन हो जाएगा। ओके, और तीसरे पेज के लिए हम कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये मेरी वेबसाइट का थर्ड पेज है। ओके, यहाँ पे हम डेटा भी एंटर कर सकते हैं। ओके, और ये रही मेरी पर्सनल जीके वेबसाइट। ओके, तो यहाँ पे ये दो आइकन है, इंस्टाग्राम और फेसबुक, वो वर्क करते हैं। ओके, वेबसाइट में टोटल 4 पेज है। ओके, तो ये फर्स्ट पेज पीडीएफ। ओके, तो यहाँ पे जीके की पीडीएफ अपलोड होती है। ओके, दूसरा पेज पेपर, तो यहाँ पे जीके के पेपर अपलोड होते हैं। तीसरा पेज इमेज, तो यहाँ पे जीके के इमेज अपलोड होते हैं। ओके, ये जॉब, तो यहाँ पे जीके की जॉब होती है। ओके, जीके की जॉब होती है। ओके, तो ये थी मेरी 3 वेबसाइट। ओके, तो अब मैं आपको ये 3 वेबसाइट की HTML एंड CSS कोडिंग दिखाऊंगा। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट वेबसाइट की HTML एंड CSS कोडिंग। ओके, और ये मेरी सेकंड वेबसाइट की HTML एंड CSS कोडिंग। ओके, तो और ये मेरी थर्ड वेबसाइट की HTML एंड CSS कोडिंग। ओके, तो अब हम आगे जाके वेबसाइट क्रिएट करना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम वेबसाइट के अलग अलग पार्ट क्रिएट करेंगे। ओके, जैसे कि हम इस वेबसाइट का सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट क्रिएट करेंगे। ओके, ये फॉर्म क्रिएट करेंगे। ओके, इतने कि सबसे पहले हम प्रोग्रामर बनेंगे। ओके, तो अब प्रोग्रामर क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। ओके, सबसे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियर, पीछे सॉफ्टवेयर डेवलपर, और थर्ड प्रोग्रामर। ओके, मान लो कि मुझे एक सॉफ्टवेयर बनाना है। ओके, मैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास जाऊंगा और उसको मैं बताऊंगा कि मुझे कैसा सॉफ्टवेयर चाहिए और उसमें कैसे रिक्वायरमेंट हो। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाएगा और उसे कहेगा मुझे ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को अलग अलग पार्ट में डिवाइस करेगा। ओके, लाइक फॉर्म, नेव बार। ओके, और उसको उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर पार्ट को अलग अलग प्रोग्रामर को बनवाने के लिए देगा। ओके, तो अब प्रोग्रामर उस पार्ट को बनाएंगे और सॉफ्टवेयर डेवलपर के सेंड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामर का काम है अलग अलग पार्ट बनाना। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर डेवलपर इस अलग अलग पार्ट को कंबाइन करेगा और सॉफ्टवेयर बनाएगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास सेंड करेगा। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर उस सॉफ्टवेयर को चेक करेगा कि ग्राहक की रिक्वायरमेंट प्रमाणे बना है या नहीं। ओके, ओके, तो अब मान लो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसमें कुछ ऐड करना है। ओके, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर से सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाएगा और उसे कहेगा मुझे ये ऐड करके दो। सॉफ्टवेयर डेवलपर फिर से सॉफ्टवेयर में ऐड करेगा। ओके, और फिर से सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पास सेंड करेगा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर फिर से उसे चेक करेगा और वो सॉफ्टवेयर मुझे देगा। ओके,
क्योंकि वीडियो के स्टार्ट में मैंने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया था। ओके तो आई होप गाइज आपको प्रोग्रामर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।